वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप पॉलीटेक्निको दी मिलानो के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, कि आपको इसका मैं कंप्लीट प्रोसीजर बताऊँगा किस तरह आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। मैं इससे पहली वीडियो में आपको कोर्सेज का बता चुका हूँ, तो मैं उस वीडियो का लिंक भी इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपने अगर वो वीडियो देखनी है तो आप पहले वो देख लेंगे किस तरह आपने अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है। और आपको एक और बात बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटी है इटली की टॉप की यूनिवर्सिटी है, पहले नंबर पे आती है टेक्निकल, जहाँ पे टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड। कि इस यूनिवर्सिटी में बिजनेस से रिलेटेड तो मेरे ख्याल में इंग्लिश में कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वैसे भी ये इटली के अंदर जो यूनिवर्सिटी है ये इंजीनियरिंग और इस तरह की जो फील्ड्स हैं इसके अंदर ये पहले नंबर की यूनिवर्सिटी है इटली के अंदर, और वर्ल्ड में भी ये टॉप की यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है। चलिए आइए शुरू करते हैं कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने टूल में जाना है। टूल में जाने के बाद आपने यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पर चले जाना है। ऑनलाइन सर्विसेज पर आप जाने के बाद एक पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आपने सबसे पहले अपनी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पे आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दें। रजिस्टर पे ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने आपने अभी अपना सारा अपना अपना फॉर्म को फिल करना है। जैसे मैं फॉर्म फिल करा, आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। यहाँ से आप मेल, डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट आप कर लें। और उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, उसके बाद आपने यहाँ से ये प्रोमिस उसने ख़त्म खुद ही कर दी है। यहाँ से आपने अपना फंस गया, मैं यहाँ से एबटाबाद कर देता हूँ वक्ती तौर पे, लेकिन आपने यहाँ पे अपना एक्चुअल सिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ लिस्ट के अंदर प्लेस ऑफ बर्थ एबटाबाद, उसके बाद सिटीजनशिप पाकिस्तान, उसके बाद आपने अदर सिटीजनशिप इसको रहने दें, टेक्स्ट कोड को भी आप रहने दें। यहाँ पे आपने अपना पर्सनल ईमेल आईडी लिख दें। यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, उसके बाद आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट क्लिक कर देना। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो आप ऐसे एक ही लिखते हैं बेशक आप। अच्छा, ये आपने अभी फॉर्म आपने फिल कर दिया है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये आपका हेड डाटा है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है करंट प्रोसेसिंग पर्सनल डाटा। और इसको बाद आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो चूज करना है। इसको आप कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद आपका ये पासवर्ड आपने रख लिया है, तो आपका इन्होंने आपका एक कोड जनरेट हो गया है। पर्सन कोड इज योर यूनिवर्सिटी आइडेंटिफायर एंड टुगेदर विद द रिलेटिव पासवर्ड अलाउ यू टू यूज़ वेरियस यूनिवर्सिटी सर्विसेज, कीप इट पर्सन कोड। अच्छा, इन्होंने आपने इस कोड को सीक्रेट कोड ने लिखा है, आपको इन्होंने कोड दे दिया। इस कोड से आप यूनिवर्सिटी के जितने भी चीज़ें आप कर सकती हैं। अच्छा, आपने इसका अगर प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर लें, अगर आपने इसको सेव करना है तो सेव करके कहीं पे रख लें। ये आप यहाँ पे, इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट को क्लिक कर दें। नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद
स्टूडेंट्स, इस स्क्रीन पे आने के बाद फिर आपने यहाँ पे जो आपको कोड मिला था वो आपने यहाँ पे लगा के यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करके आपने साइन इन हो जाना है। आप यहाँ पे साइन इन हो जाएंगे। अभी ये पूछ रहा है कि आपको टू फैक्टर आपको एक्सेस आपको करना पड़ेगा, उसके बगैर आपको ये नहीं। यहाँ पे 2FA लिखा हुआ है, आपने वहाँ पे जाके इसको टू फैक्टर को ऑथराइज करना है। यहाँ पे आप कंटिन्यू पे चले जाएँ, पे जो कोड होगा मैं अपने ऐप को ऊपर करके मैं यहाँ पे वो अपना वाला कोड यहाँ पे टाइप कर दूंगा। उसको बाद मैं इसको यहाँ से कंफर्म कर दूंगा। ये देखें, इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्टिवेटेड, ये इसका एक्टिव हो गया है। अभी एक्टिव होने के बाद मैं इसको गो टू ऑनलाइन सर्विसेज पे चला जाऊंगा। गो टू ऑनलाइन सर्विसेज के बाद जाने के बाद यहाँ पे मुझे इन्होंने OTP भेजा है, वो यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा। मेरे वो मोबाइल पे भेजा होगा इन्होंने आपके। ये देखें, मैंने यहाँ पे अपना ये सारा डाल के अपना यहाँ पे मैंने अपने अकाउंट को क्रिएट कर लिया है, और अकाउंट को क्रिएट करने के बाद मैंने इस पेज को ओपन कर लिया है। ये इसका एक तरीका है। ये देखिए, अभी मेरा टू फैक्टर भी हो गया है, मैंने यहाँ पे अपना रजिस्टर भी कर लिया है, सारा कुछ कर लिया है। ये इस तरह करके मेरे सामने एक ये पेज ओपन हो गया है। अब इसको करने के बाद मैंने यहाँ पे देखना है कि मेरे कोर्स से रिलेटेड यहाँ पे कोई कोर्स ओपन है। फ़िलहाल अभी इनके एडमिशन भी इनके ओपन नहीं हुए, लेकिन जैसे ही इनके एडमिशन ओपन होंगे तो मैं उसके ऊपर एक और भी वीडियो बना दूंगा कि किस तरह आपने यहाँ पे अपनी जाके आपने सबसे पहले प्री इनरोलमेंट करनी है। अभी फ़िलहाल एप्लीकेशन फॉर द स्टेट एग्ज़ाम एडमिशन रिक्वेस्ट 3 ईयर सिंगल साइकिल, ये देखिए यहाँ पे लिखा 3 ईयर सिंगल साइकिल इंट्रेंस, और उसका 3 ईयर सिंगल साइकिल, ये 3 ईयर्स एंड सिंगल साइकिल। ये जो सिंगल साइकिल की मैं बात कर रहा होता हूँ कि ये 6 ईयर का जो प्रोग्राम होता है, 3 ईयर का ये बैचलर के सारे प्रोग्राम है। उसके बाद अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट पे आ जाएँ तो ये देखें, ये पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर फॉर द स्टेट एग्ज़ाम, पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर द, अभी अभी इनके जो एडमिशन है वो ओपन नहीं हुए, लेकिन जैसे ही इनके एडमिशन ओपन होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल अभी मैंने आपको सिंपल इनका एक तरीका बताया कि किस तरह आपने इनकी वेबसाइट पे जाके किस तरह आपने इनको अपने अपने अकाउंट अपना इसमें अकाउंट बनाना है, और फिर यहाँ पे आके आपने अपनी प्री इनरोलमेंट करके अपने आप को रजिस्टर करके आपने अप्लाई करना है। ये इसका एक तरीका है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।